हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने चैप्टर नंबर 12 इंद्रप्रस्थ की स्टोरी को पढ़ा था। उसके बारे में पता चला था कि इंद्रप्रस्थ चीज़ क्या है और कैसे कैसे इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप सभी अपनी नोटबुक फेयर नोटबुक पर इनको उतार लीजिए। इससे पहले डेट लिखते हैं। डेट लिखिए 11 नवंबर 2020। डे लिखिए वेडनेसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे। हम प्रश्न उत्तर लिखते हैं बेटे। यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न हमारा आता है क्या, चैप्टर के अंदर से ही हम क्वेश्चन बनाते हैं, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि चैप्टर को ध्यान से केयरफुल होकर पढ़ा करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राइज होता है क्या कि कर्ण के हृदय में किसके प्रति अपार स्नेह था। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कर्ण के हृदय में किसके प्रति अपार स्नेह था। उत्तर लिखिए दुर्योधन के प्रति। इस चैप्टर में से ही निकला ये क्वेश्चन, तो क्या आएगा, दुर्योधन के प्रति, यानी कि कर्ण के हृदय में दुर्योधन के प्रति अपार प्रेम था, यानी कि स्नेह था या प्रेम था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आता है क्या कि पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित सादर दीवा लाने के लिए धृतराष्ट्र ने किसे पांचाल देश भेजा है। फिर सीधा ये लिख लीजिए कि पांडवों को हस्तिनापुर लाने के लिए धृतराष्ट्र ने किसे पांचाल देश भेजा। उत्तर लिखिए विदुर को। किसे भेजा था, विदुर को। फिर लिखिए प्रश्न नंबर 3 है, वेरी शॉर्ट ही लिख लीजिए, पहले एक नंबर के ही वैसे तो निकल कर आते क्या है। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के विषय में क्या कहा। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र ने अपने बेटों के बारे में बेटों के विषय में युधिष्ठिर से क्या कहा। उत्तर लिखिए कि मेरे बेटे दुरात्मा हैं, मेरे बेटे दुरात्मा हैं। यहाँ पर ये लास्ट में आया क्वेश्चन आपके पास, बस इतना सफिशिएंट है।
लिख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर निकल करके आता है सामने। फोर्थ क्वेश्चन है खांडव खांडव प्रस्थ का दूसरा नाम क्या रखा। उत्तर लिखिए इंद्र प्रस्थ। तब तक आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आंसर दूसरे के दोबारा से कराती हूँ। हाँ जी नोट करें। हाँ जी देखिए बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन है द्रोणाचार्य किस पर क्रोधित हुए और क्यों, क्या कहा। द्रोणाचार्य किस पर क्रोधित हुए और क्या कहा। उत्तर लिखिए कर्ण पर द्रोणाचार्य कर्ण से कहने लगे कि धृतराष्ट्र ने मेरी वे भीष्म की बात न सुनकर तुम्हारी सलाह मानी तो कौरवों का नाश भी तय है। यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी बात को तवज्जो दी, तुम्हारी बात को अहमियत दी, इम्पोर्टेंस दी, तो इससे क्या होगा कि तुम तो अभी बालक हो, तुम उसने हमारी बात को नहीं माना और किसकी सलाह मानी है, कर्ण की मानी है, तो इससे क्या होगा कि कौरवों का नाश होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने निकल करके आता है बेटे, लास्ट क्वेश्चन है कि विदुर ने कुंती को क्या समझाया। देखिए क्वेश्चन, विदुर ने कुंती को क्या समझाया। उत्तर लिखिए, कहते कि विदुर ने उन्हें समझाया कि थी और धीरज दिया कि आप हे देवी आप निश्चिंत रहे, आपके बेटे बहुत ही होनहार हैं, कि आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़
सप्ताह। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, कितने क्वेश्चन निकले इस चैप्टर से, तो देखिए उन्होंने समझाया कि हे देवी आप निश्चिंत रहें, निश्चिंत मीन्स भाई आप निश्चिंत, सॉरी आप निश्चिंत रहें यानी कि आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहें आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ सकता, ये एक दिन खूब यश कमाएंगे, ये एक दिन खूब यश कमाएंगे और स्वामी बस ये लिख लो, बस ये एक दिन बहुत यश कमाएंगे, बहुत है, इतना सफिशिएंट है। ये आप लोगों का बेटा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, इसको आप अपनी फिर नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।